किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जे एडवांस एग्जाम। और बच्चों, एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, कल आपका जी एडवांस का एग्जाम है, तो जो आज आप सोने जाएंगे तो आपका सोने का टाइम जो है वो एक घंटे पहले सोइएगा, अच्छे से सोइएगा, अच्छी नींद आनी चाहिए। कल पेपर के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जिससे जब आप मॉर्निंग में फ्रेश उठेंगे तो आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है बच्चों। और एक और बात मैं शेयर करूंगा कि पेपर जब आप अटेंड कर रहे हो तो पेपर की सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो जब पहले आप एक दो मिनट भले ज़्यादा ले लें, पहले पूरा पेपर को देख ले, नियर अबाउट क्वेश्चंस पढ़ लें कि जो आपको क्वेश्चंस पढ़े हुए लग रहे हैं, आपने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए लग रहा है कि हाँ यार कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, तो सबसे पहले आप उनको अटेंड करें। क्योंकि अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन कंटिन्यू आप सॉल्व कर लिए बिना मिस्टेक के, तो एक फ्लो बनता चला जाता है और उस फ्लो में बहुत सारे क्वेश्चन और भी फर्दर सॉल्व कर लेंगे। और इन केस बच्चों की अगर पेपर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का लग रहा है, तो भी आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सभी के लिए डिफिकल्ट है, ऑटोमेटिकली उसका कट ऑफ लो जाएगा। तो उसमें भी आप अगर पीसफुली अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करते हैं और सिग्निफिकेंट स्कोर कर देते हैं, तो भी IIT की सीट पक्की है बच्चों आपके लिए, ठीक है ना। तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है ना। और मैं आप सभी को विश करता हूँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।